पूछना चाहना चाहूँगा, काफ़ी फिल्मों में अभिनय किया आपने, तो क्या कहेंगे जब से आप इस क्षेत्र में हैं, जब से जो चुनाव करते हैं किसी रोल का किस आधार पर करते हैं, और खासकर ये फिल्म की बात करते हैं इस फिल्म को लेकर के फिल्म करते हैं? नमस्ते प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जितने भी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, और दशहरा का दिन है तो दशहरा की बहुत सारी प्रक्रिया हो दशहरा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है गंगा की गौरी, इसके प्रोड्यूसर हैं अपने सतीश विजय सिंह देवका सिंह और राजेंद्र वर्मा जी से डायरेक्टर हैं, इसको पूरा कारभार संभाल रहे हैं वाले, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है ना। इस फिल्म में कुछ अलग कर रहा हूँ, काफ़ी गंदा लोगों ने मुझे मिलन किया, लेकिन मिलन और कॉस्ट्यूम फिल्म किया है ना, इस फिल्म में कुछ अलग ही कह सकता हूँ। जब ये फिल्म बन जाए तो आप लोगों को देख के मेरा करेक्टर मेरा किरदार अच्छा लगे, सेट है एक यंग हमारे और स्पेंड करवा देख रहे हमारे गुप्ता जी और नयारो जी तमाम आर्टिस्ट हैं, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हम उस चीज़ के गाने पर फिल्म बन के आएगी तो आप बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोग इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि हमने बहुत मौका मिल गया। इस फिल्म से जो कर रहे हैं या जो काफ़ी करीब आपके दिल के, इस फिल्म के बाद मैंने सुन कर क्या अपराधी हैं सारे, उसके लिए मैं एक अलग कैरेक्टर किया हूँ, ऐसे बाप का कैरेक्टर जो बेटी की शुरू करना चाहता हूँ, उसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, अभी फिल्म आ रही है फिल्म, उसके बाद तमाम फिल्में हैं जो नाम देने में मुश्किल है, लेकिन यह है कि जितनी भी फिल्में हैं सब बहुत प्यारी फिल्में अच्छी फिल्में हैं और जब भी आएंगी आप लोग को अच्छा लगेगा। ये भी कहना चाहूँगा कि 22 से थिएटर्स खुल रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह से पहले था बिजनेस फिल्म का वो बिजनेस रहता है कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत कॉम्पिटिशन दे रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे खासकर भोजपुरी फिल्म की बात करें, तो क्या पहले की तरह वो माहौल होगा कि लोग फिर अब कल आएंगे थिएटर्स में क्या होने वाला है? कहूँगा कि सिनेमा सिनेमा होता है और सिनेमा देखते हैं तो पहले प्लान करते हैं वो सिनेमा हॉल में फिल्में देखते हैं, भाई अलग बात है कि कोरोना की वजह से हमारे दर्शक जो है थोड़ा डिवाइड हो गए, कुछ लोग मोबाइल और टेलीविजन पर बात करिए, लेकिन सिनेमा हॉल में बैठ देखने का अलग मिल रहा है। और आज अब फिर भी हम देख रहे हैं ये फिल्म लिट्टी चोखा जो हुई है उसका अच्छा रिव्यू आ रहा है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका रिव्यू अच्छा आ रहा है, हम समझिएगा ऑटोमेटिक तो नहीं, लेकिन फिर से ऑडियंस जो है एक बार सिनेमा का रुख करें, क्योंकि मोबाइल पर आप सिनेमा देख नहीं पाते, टुकड़ों में देखते हो तो उसका मज़ा नहीं होता, लेकिन जब सिनेमा हॉल में आप फिल्में देखते हो तो उसका मज़ा अलग होता है। उम्मीद है कि एक बार फिर से दर्शक सिनेमा हॉल में जाए, क्योंकि सिनेमा हॉल के लिए बनाते हैं ना कि मोबाइल और टीवी के लिए। बहुत सारे भोजपुरी साउथ में जा रहे हैं, काम भी अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, काफ़ी नाम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी से क्या काफ़ी बड़ा आपको नजर आता है साउथ इंडस्ट्री को वहाँ पे काम करने के लिए? कहने की क्या बात है, नो डाउट साउथ इंडस्ट्री हमसे बहुत पहले है और हम लोग अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में से 15-20 साल से इतना तेज़ी से हम लोग इतना आगे भागे हैं, इतना अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री की है, तो हमें उम्मीद है कि आज साउथ हम लोग कह रहे हैं कि हम भोजपुरी भी जाएंगे, कि भोजपुरी उस लेवल पर पहुँच जाए, 20 साल में आज भोजपुरी साल की 100 फिल्में बन रही हैं, जो कभी इक्का दुक्का हमें बनती थी, तो ये कह सकते हैं कि 2-4-10 साल और जान लीजिए, हमें नहीं कहना पड़ेगा कि साउथ इंडस्ट्री, साथ हम लोग ये कहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.